इसमें कुछ फॉर्मूला चाहिए, एक चाहिए जो जो फॉर्मूला चाहिए मैं लिख देता हूँ, इसके लिए भी फॉर्मूला चाहिए होगी। एक है इसके लिए जो फॉर्मूला चाहिए लिख दीजिए, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला थोड़ा चाहिए। अगर ये थीटा है, थीटा का सामने वाला पी है, ये आप जानते हैं, और 90 के सामने वाला एच है, एच पर हाइपोटेन्यूस, ये बेस है, एच पर हाइपोटेन्यूस। अब पी पर परपेंडिकुलर, अरे बी पर बेस, तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर हमेशा होता है। अगर ये थीटा है, ऊपर वाला थीटा, अब इसमें हाइट एंड डिस्टेंस मुझे फॉर्मूला चाहिए तो लिख दे रहे हैं हम। जब ये थीटा होता है, थीटा का सामने ये परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस बेस होता है। थीटा का सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, इतना फॉर्मूला इसमें जो यूजफुल फॉर्मूला चाहिए मेरे। एक है साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा पी बाई एच होता है। ओके, कॉस थीटा पी बाई एच होता है, टैन थीटा पी बाई बी होता है। तो ये तीन फॉर्मूला हो जाएगा, ये साइन कॉस टैन तीन फॉर्मूला में से हो गया। फिर भी थोड़ा पूरा किए तो लिख दीजिए, फोर्थ फॉर्मूला कॉट थीटा, वो टैन का रेसिप्रोकल होता है पी बाई पी, टैन कॉट थीटा होता है बी बाई पी होता है, टैन कॉट रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट पर सेक थीटा, वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है एच बाई बी, एच बाई बी। पर कॉस थीटा जो है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अगेन पर लास्ट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो है साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है, पी बाय एच तो एच बाय पी हो जाता है। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है। फिलहाल हमें ये तीन फॉर्मूला चाहिए, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा पी बाय एच, टैन थीटा पी बाय बी। जब ये लिख दिए तो लिख दिए, साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है ये, इसलिए साइन थीटा वन बाय कोसेक थीटा होता है। कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कॉस थीटा वन बाय सेक थीटा होता है। टैन कॉट का रेसिप्रोकल ये वन बाय कॉट थीटा, कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, sec cosec का रेसिप्रोकल है, sec cos का रेसिप्रोकल है, इसलिए sec थीटा 1 बाय cos थीटा होता है। cosec sin का रेसिप्रोकल है, इसलिए cosec थीटा 1 बाय sin थीटा होता है। एक बात है, sin cosec इनटू करने से 1 होता है, sin इनटू cosec थीटा 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, जब कॉस थीटा सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वन होता है। और जब टैन थीटा इंटू कॉस थीटा वन होता है, और उसका ऐसा भी है कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा भी वन है, sec theta into cos theta भी वन है,
और थीटा इंटू टैन थीटा भी वन है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा वन है और ये सेक इंटू कॉस थीटा वन है और ये कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा वन है। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा वन है। ये फॉर्मूला हमें चाहिए, पहला तीन फॉर्मूला साइन कॉस टैन चाहिए, ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव में तीन फॉर्मूला चाहिए और एक तो टेबल चाहिए, टेबल सर जो ट्रिग्नोमेट्री वाला। हाँ एक बात ध्यान रखिए, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बात ध्यान रखिए थीटा का सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये थीटा तो परपेंडिकुलर, ये थीटा तो परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस है और जो बचता है बेस। और एक टेबल चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस के लिए, और एक टेबल चाहिए सर वो कोसेक थीटा इनटू क्या करने से मान होगा, एक बार बोले क्या बात करते हो, तो लास्ट है पूरा लास्ट में ये सब है, दुनिया दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया है ये, डिवाइड साइन थीटा होता जाए क्या होगा, अरे डिवाइड साइन थीटा होता जाए क्या होगा, इनटू हो जाएगा, इनटू होगा तो कोसेक थीटा एंड साइन थीटा वन हो जाएगा, या वो डिवाइड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, डिवाइड साइन थीटा उधर जाके इनटू हो जाएगा। यस सर, यस सर। और बच्चों को सब बोलना नहीं चाहिए, बच्चे डाउट है तो पूछना चाहिए, मेरे गुरु जी बोले थे बच्चों को कुछ नहीं बोले बोलना नहीं चाहिए। और देखिए नेक्स्ट बात देखिए, आपका टेबल, ये टेबल और ये इतना होने के बाद ये हम लोग का शुरू होगा क्या बोलते हो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये टेबल देखिए, सॉरी आप भी टेबल बना दीजिए, बच्चे बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे सभी, कोई ब्रश करते करते ज्वाइन करेगा, बच्चे हैं। ये देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा है, देन ये टैन थीटा के लिए, ये कॉट थीटा के लिए, ये सेक थीटा के लिए, साइन कॉस टैन, उसके बाद हमारा टैन थीटा के लिए, कॉट थीटा के लिए, उसके बाद सेक थीटा के लिए, और एक तो बच गया कोसेक थीटा के लिए। हमारा ये 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और उसका फाइनल 90 डिग्री के लिए। अभी ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45, 60, 90 अभी। पहला वाला याद रखने के लिए फॉर्मूला है, फर्स्ट वाला याद रखने के 0/4,
हॉस्टल नहीं याद रखने के लिए, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 बोले, 0/4, 1/4, ये हॉस्टल याद रखने के लिए इसका रूट ओवर करते हैं। ओके, 0/4 जीरो होता है, 1/4 वन होता है, ये 4 का रूट 2 होता है। साइन जीरो ऐसे भी तुम्हें याद रखना है, साइन जीरो जीरो, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/2, साइन 90 1, ऐसे डायरेक्ट याद रखना है आपको। अच्छा, अगर साइन याद रह गया तो कोसेक याद नहीं रहेगा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, कोसेक कितना 1/sin कितना होता है, ये 0/1 है, ये रेसिप्रोकल 1/0 जो कि इनफाइनाइट होता है और नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये 1/2 है, ये 2 हो जाएगा, 1/√2 है, √2 हो जाएगा, √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, 1/1 है, 1 हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखिए, साइन 30 का जो वैल्यू है कॉस 60 का वही वैल्यू होता है, साइन 60 का जो वैल्यू है कॉस 30 का वही वैल्यू होता है, साइन 0 टू 0 तो कॉस 90 0 होता है, साइन 90 अगर 1 है तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, ये बीच में, माने ये इधर ये उधर, ये इधर ये इधर, बीच वाला सेम होगा। ओके, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक है। अरे वैल्यू याद रखिए, साइन 30 जो है कॉस 60 वही है, साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2, ये ज़्यादा यूज होता है, साइन 60 अगर √3/2 कॉस 30 √3/2, कॉस सेक का रेसिप्रोकल है, तो क्या कीजिए, 1/1 1 आएगा, ये √3/2 2/√3 है, 1/√2 √2 हुआ, ये 1/2 2 हो जाएगा, ये 0/1, ये 1/0 जो कि इनफाइनाइट होता है और नॉट डिफाइंड होता है। तो ये क्या हुआ, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, बीच वाले यहाँ पर भी ऐसा है, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, ऐसा इसलिए होता है हमारा साइन कॉस कॉम्प्लीमेंटरी है, सेक कॉस सेक कॉम्प्लीमेंटरी है, जो बच्चे पढ़े हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं कुछ एक दो बच्चे नहीं पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री, जीरो बाई वन जीरो होगा, ये 1/2 बाई ये करोगे, 1/2 डिवाइड टैन थीटा साइन बाई कॉस होता है, तो 1/2 डिवाइड ये क्या √3/2, 1/√3, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 ये 2/√3, 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये करोगे 2 कट जाएगा, 1/√3 होगा, सेम सेम डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, सेम सेम डिवाइड करोगे 1 आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा कट जाएगा √3 आएगा, ये 1/0 हो जाएगा। ओके, अच्छा समझे, साइन टैन थीटा क्या होता है, साइन बाय क्या कॉस, तो ये डिवाइड कर दीजिए अब आ जाएगा, टैन कॉट रेसिप्रोकल, टैन कॉट रेसिप्रोकल होता है, टैन थीटा 1/cot थीटा होता है, ये cot थीटा 1/tan होता है, 0/1 1/0, 1/√3 ये √3 हो जाएगा, 1/1 1 आएगा, √3/1 1/√3 हो जाएगा, ये 1/0 उल्टा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक cot थीटा होता है 1/tan थीटा रेसिप्रोकल, और नहीं तो ऐसा होता है, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, अरे अब बीच वाला वही रहेगा, ये टेबल है आप फिर से बना लीजिए, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं
फिर से इसको आप खुद बना लीजिए, क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन आपको याद रखना है साइन कॉस टैन याद रखना है। तुम लोग जब इधर क्लास करने आओगे ना आफ्टर लॉकडाउन, जो मैडम पिटाई होगा तुम लोग की फॉर्मूला के लिए, और बच्चों को नहीं मानना चाहिए मेरे गुरु जी बोले थे। सर अगर खाली साइन याद रख देंगे तभी भी तो हो जाएगा। कुछ बात नहीं, तुम इधर जब क्लास आओगे ना ऑटोमेटिक सब याद आ जाएगा, और बोटे माटा सब कुछ याद दिला देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ाते आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो ये एक सर्कस टेंट है, सर्कस टेंट का ये पोल है, ये सर्कस टेंट का ये पोल है। एक आदमी ओके यहाँ से यहाँ, ये ग्राउंड है ओके, ये ग्राउंड है ओके। देन एक 10 मीटर का रस्सी में, एक 10 मीटर का रस्सी में इस पोल को यहाँ पर ग्राउंड को बांधा गया, एक 10 मीटर का रस्सी में इस पोल पर एक ग्राउंड को रोप है 10 मीटर ओके। और ये जो ग्राउंड के साथ जो इंक्लाइनेशन के 30 डिग्री, बोलेगा व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। अच्छा ये बात तीन याद रखना है आपको, साइन थीटा होता है बी बाय एच, कॉस थीटा होता है बी बाय एच, टैन थीटा होता है पी बाय बी। ये तीन बातें याद रखने आपको होगी। अच्छा हमें पी चाहिए, एच दिया है, हमेशा क्या होता है इसमें एक तो पूछता है और एक तो देता है। तो पी फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल, एच दिया है ठीक है। तो ये पी बाय एच का रिलेशन साइन जाएगा, हाँ पी बाय एच का रिलेशन होगा। तो 90 का थीटा का सामने वाला P है, 90 का सामने वाला H है, P by H का रिलेशन होगा। तो P by H तो क्या अप्लाई करेंगे, P by H तो क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा। तो लिखोगे इंट्रैंगल क्या, ABC, इंट्रैंगल ABC क्या होगा, जो साइन 30, साइन थीटा का फॉर्मूला P by H। सर cos थीटा, हेलो हाँ बोलो सर, सर cot थीटा sec थीटा cosec थीटा ये सब किस लिए नहीं जा रहे, मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं, मुझे फाइंड करना था p और दिया है h, तो p by h हो रहा है, तो p by h तो क्या आप लेगा, sin थीटा आप लेगा। जो चाहिए ना, ओ ये मुझे चाहिए p और h दिया है, तो P by H रिलेशन हो रहा है तो क्या अप्लाई करेंगे, साइन थीटा। धीरे धीरे समझेंगे ओके, थोड़ा पेशेंस रखिए। तो मुझे साइन थीटा चाहिए, मुझे सर पोल का हाइट चाहिए, मेरा रोप का लेंथ दिया है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P by H, H क्या है 10। अच्छा मैं यहाँ पर साइन 30 क्यों अप्लाई किया, कॉस 30 क्यों नहीं अप्लाई किया, मतलब मैं यहाँ साइन 30 ही क्यों अप्लाई किया, कॉस 30 क्यों नहीं किया, टैन 30 टैन थीटा क्यों नहीं, सर वो तो पी है सर, आप तो बी नहीं है, तुम्हारा जो रिलेशन आ रहा है पी में एच का रिलेशन आना है, पी फाइंड करना है एच दिया है ओके। देन ये तुम्हारा साइन 30 जो है, साइन 30 का वैल्यू बोलिए 1/2, टेबल 1/2 टेबल देख के बोल सकते हैं आप, ए बी इक्वल टू आएगा, डिवाइड 10 इंटू हो जाएगा 10/2, दैट इज 5 मीटर ठीक है। अच्छा तुम्हें कोई पूछेगा ये हो गया, तो हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया 5 मीटर हो गया। अच्छा तुम्हें कोई पूछेगा मुझे ग्राउंड का लेंथ चाहिए, मुझे रोप का लेंथ या ग्राउंड कितना ये में ग्राउंड का बांधा गया है, तो क्या अप्लाई करेंगे, cos थीटा, b निकालना है, h दिया है, तो b / h तो क्या करेंगे,
पी निकालना एच दिया है, बी बाय तो क्या डालें कॉस 30, तो कॉस 30 बी बाय एच क्या होगा, तो बी बाय एच दैट इज बी सी बाय कितना एस सी, एस सी कितना 10, कॉस 30 का बोलिए साइन 60 जो है कॉस 30 वही है दैट इज रूट 3/2 इक्वल टू बी सी बाय 10 हो गया। देन बी सी इक्वल आपका डिवाइड 10 इनटू दीजिए रूट थ्री एंड रूट थ्री बाई टू, ठीक है। आपको याद रखना है कॉस 30 का वैल्यू, ठीक है सर। हाँ जी सर, वो जो सेकेंड वाला निकाले सर, वो साइन 60 लेके भी तो निकाल सकते थे। हाँ 60 इधर, यहाँ पर साइन 60 लेके कर सकते हैं, लेकिन ये हो जाएगा तो ये बी बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। यस सर, लेकिन साइन 60 करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, एंगल के सामने वाला ये बी बनेगा और ये बी बनेगा 90 के सामने वाला एच बनेगा, उसका आंसर चेंज सब हो जाएगा अभी, ठीक है। वो भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। अभी ये समझे, सपोज ग्राउंड का लेंथ पूछा है तो बी दिया एच, बी बाय एच तो कॉस डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में तो था ये बड़ा सा पेड़ है, नोडिया को चले लीजिए, पाम ट्री, जो भी एक ट्री ले लीजिए, ये बड़ा सा ट्री है, लेकिन जब हमारा साइक्लोन आया, साइक्लोन जब आया इधर से, ये ट्री टूट गया, वो सेम ट्री टूट गया है यहाँ पर, साइक्लोन जब आया तो टूट के यहाँ पर गिर गया, जब साइक्लोन आया वो ट्री यहाँ करके गिर गया, लेकिन डिटैच नहीं हुआ, वैसे ही रहा, डिटैच नहीं हुआ, जब ये गिरा ग्राउंड को 45 डिग्री बना रहा था, जब ये गिरा सॉरी ग्राउंड को 60 डिग्री बना रहा था, जब ये गिरा ग्राउंड को 60 डिग्री बना रहा था, अगर ये ग्राउंड से 12 मीटर डिस्टेंस में ये हुआ, अगे ये बड़ा सा ट्री था, जब विंड साइक्लोन आया गिर गया टूट गया यहाँ से, तो उसके बाद वो ऐसे गिरा डिटैच न हुआ, ऐसा रह गया, बोल रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री कितना, ओके ट्री का हाइट कितना है, ठीक है समझे सर। गिरने के बाद या जो पहले जितना था, पहले जितना था, ठीक है ठीक है, कॉस थीटा पुट करें और ठीक है, पहला एक काम करेंगे, इसका नेमिंग थोड़ा दे दीजिए आप, ये है बी है सी है, ये वो 12 मीटर डिस्टेंस में ग्राउंड से गिरा और एंगल 60 डिग्री बना है। अच्छा देखिए, मुझे पहला निकालते हैं, बीसी निकालते हैं, एंगल का सामने वाला क्या पी है और क्या पी है, क्या करेगा, हम जानते हैं फॉर्मूला साइन थीटा होता है पी बाय, साइन थीटा होता है पी बाय एच, cos theta होता है b by h, tan theta equal to p by b, yes sir, tan 60 equal to p by b, okay, tan क्यों डालेंगे, cos क्यों नहीं डालेंगे, cos डालेंगे सर, क्योंकि सर हम सर पहले p निकाल रहे हैं और b दिया गया है, b निकालना है, b दिया गया है, p by b रिलेशन हो रहा है, p निकालना है, b दिया है, p by b का रिलेशन हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, हमें डालेंगे क्या P by P निकालना है, P दिया है, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर है, तो P by B का रिलेशन है तो टान डालेंगे, तो लिखिए इंटर एंगल बी सी डी, मेरा डालिए टान 60, P by B, B आपका 12 है, P by B है, टान 60 आपका P by B, B है आपका BC,
बी हेड ट्वेल्व रूटेड हो गया। टैन 60 का वैल्यू बोलिए, टैन 60 का वैल्यू टेबल देख के बोलिए, टेबल रूट थ्री, रूट थ्री, रूट थ्री, ये बी सी बाई ट्वेल्व, तो आपका बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ट्वेल्व रूट थ्री, ट्वेल्व रूट थ्री, ये ट्वेल्व रूट थ्री मीटर, ये ट्वेल्व रूट थ्री मीटर। अच्छा मुझे एक बात बोलिए, ये जितना लेंथ वो उतना लेंथ होगा कि नहीं, एफ बी का लेंथ इक्वल टू बी डी का लेंथ होगा कि नहीं, 10 मीटर 10 मिनट के बाद चला जाएगा, फिर से वही लिंक को क्लिक करके आना है, 10 मिनट में चला जाएगा, वही लिंक को क्लिक करके आना है। अच्छा देखिए होगा सर, इक्वल होगा। एक बात बोले मुझे, एफ बी का लेंथ जो है वो बी डी का लेंथ से इक्वल होगा कि नहीं? यस सर, क्योंकि वही चीज जो है, ये जो हाइट है वही हाइट इधर यहाँ से टूट के गिरा है, ठीक है, ये जो हाइट है वही हाइट का ये टूट के गिरा है। तो एक काम कीजिए, पहले हम बी डी निकालते हैं, पहले हम बी डी निकालते हैं, बी डी का जो आएगा ए बी वही होगा, ठीक है, तो बच्चों पहले बी डी निकालेंगे। अच्छा ये बी बाय एच का रिलेशन है, बी बाय एच निकालना है, तो बी बाय एच को क्या डालेंगे, क्या डालेंगे सर, कॉस थीटा डालेंगे, ओके, बी दिया है एस निकालना है, ओके, कॉस थीटा डालेंगे, तो डालिए इंट्रायंगल बीसीडी, इंट्रायंगल बीसीडी योर कॉस 60, बी बाय एच, बी है 12, एच फाइंड करना है, ठीक है, कॉस 60 जो है साइन 30 वही है, कॉस 60 जो साइन 30 वही है 1/2, मतलब टेबल देख के बोलिए, आपका बी डी कितना आएगा बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी डी इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई 2 × 12 24 मीटर, तो बी डी आपका कितना आ गया, 24 मीटर आ गया। अगर ये 24 मीटर है तो ए बी भी आपका 24 मीटर होगा, क्योंकि ये जितना है वही चीज योग इधर गिरा है, ठीक है। बात यह है अभी फाइंड करना था क्या एसी, तो ये एसी इक्वल टू क्या होगा, 24 प्लस 12 रूट ऐसे रख दीजिए, होगा तो आप 12 कॉमन जा सकते हैं, होगा तो आपके यहाँ पर 12 कॉमन जा सकता है, ये 2 प्लस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो किसको लिखना है थर लिख दीजिए, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख दे बच्चो, देखिए ये बड़ा सा एक तो मैं बचपन में स्लाइडर खेलते थे, ओके, आप पेंट पहन के, तो स्लाइडर देखिए, स्लाइडर, ओके, स्लाइडर क्या मैं बोल देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, स्लाइडर है, अब यहाँ से चढ़ते थे सीढ़ी, ये से सीढ़ी कुछ है, यहाँ से चढ़ेंगे, ओके, यहाँ आने के बाद फिसल लेंगे पूरा, यहाँ से पूरा फिसल जाएंगे पूरा, स्लाइडर पार्क में स्लाइडर सब लगा है, ओके, तो बच्चे लोग इधर से चढ़ते हैं, इधर से पूरा वैसा रहता है, सिस्टम कुछ लेता है, सीढ़ी फीढ़ी कुछ लेता है, ये चढ़ेंगे, चढ़ के यहाँ से पूरा खिसल जाएंगे, ओके, तो एक पार्क पे एक स्लाइडर है, ओके, और एक ग्राउंड का ये दे दिया है 40 मीटर, ये ग्राउंड का ये सब
लीजिए 20 मीटर लिखिए, और जो स्लाइडर ने बनाया 45 डिग्री एंगल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लाइडर, स्लाइडर का लेंथ क्या बोली सर? पहले पी निकाल देंगे, ये पता नहीं मुझे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी बाहर कीजिए एसी से। अच्छा क्या अप्लाई होगा इधर, बी दिया है एच फाइंड करना है, बी बाय एच cos theta, आपको याद रखिए sin theta p by h, cos theta क्या p by h, tan theta p by, ये थोड़ा याद रखिए, क्या डालेंगे b दिया h find करना, b दिया h find करना सर, cos theta, cos theta apply करेंगे, ठीक है। तो लिखिए इंट्रैंगल के abc सर, योर कॉस 45, बी बाय एच 20 बाय एस सर। हाँ बोलिए सर, हम इधर सर आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ले लेना सकते सर, ये एंगल ए भी 45 हो गया, ये 20 बोल के लिखा है क्या सर? 45 है ना सर, वो तो ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा, तो नहीं खोलो जाओ, लेकिन हम हाइट एंड डिस्टेंस से कर रहे हैं, ओके तुम भी सही बात बोल रहे हो, ये भी 45 आएगा, यानी 20 तो ये भी 20 है सर। हाँ आइसोसेलेस में भी कर सकते हो अभी, आइसोसेलेस में भी कर सकते हो, बेटर है हमारे इसमें डालिए हाइट एंड डिस्टेंस। कॉस 45 बोले बी बाय एच, बी बाय एच अंडर रूट 2, बी आपका 20, एच आपका एस, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, 20 बाय एस, देन आपका एस इक्वल कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस इक्वल 20√2, अब ये हाउ यस सर 20√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो बड़ा सा पोल है, अबे ये बड़ा सा पोल है, एक लड़का यहाँ पर है, एक लड़का यहाँ पर है, अभी ये रिवर है, अभी ये रिवर है, इसे रिवर है, पानी बहते जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है पानी, ये रिवर है, ओके ठीक है। तो वो लड़का जो है वो रिवर से, लड़का जो रिवर से 10 मीटर हाइट में, 6 मीटर हाइट में है, अच्छा एक बात मैं तुम्हें बोला नहीं, तुम एक एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, सपोज एक टावर है, ये टावर है, ओके एक ग्राउंड से एक आदमी, ओके ये टावर है और ये ग्राउंड है, ओके एक आदमी यहां से है, वो पूरा ग्राउंड से वो टॉप ऑफ द टावर को देखा, ग्राउंड से टॉप ऑफ द टावर को देखा, ओके तो नीचे से उसे ऊपर देखने के लिए से कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखने के लिए क्या कहते हैं, ग्राउंड में है टॉप ऑफ द टावर को देखा, इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखने के लिए क्या कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके किया। अच्छा तो नीचे से ऊपर देखने से एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, सपोज को ऊपर में है
कोई एक तो टावर के ऊपर में है, कहीं पर भी ऊपर में है आगे, लेकिन वो क्या किया, ग्राउंड को देखा ऊपर से नीचे देखा, यहाँ पर है ऊपर से नीचे में देखा, सब वो 30 डिग्री में देखा, 30 डिग्री एंगल में देखा, ये 30 डिग्री सब वो 30 डिग्री ये में देखा, तो ऊपर से नीचे को देखा, सब वो जो 30 डिग्री में देखा, अच्छा देखो ये ऊपर से नीचे देखने के लिए क्या कहते हैं, एंगल ऑफ द डिप्रेशन। सपोज एक आदमी भी ये टावर के ऊपर है, वो नीचे देखा, ऐसे ऐसे नीचे देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ऐसे नीचे देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। नीचे देखने के एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा वो 30 डिग्री एंगल से देखा, हो ऊपर से नीचे को 30 डिग्री एंगल से देखा, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होता है। और यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था एंगल ऑफ डिप्रेशन में, यहाँ पर एक पावर एंगल ऑफ डिप्रेशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक तो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाता है, ऊपर से नीचे देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है, अगर ये 30 है तो ये भी इसका 30 होता है, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट बात है, तो यहाँ पर एक लड़का था, वो पोल के ऊपर था, पोल के ऊपर देखा एक रिवर, इधर पानी बहते जा रहा है, ओके। एक किनारे को वो देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन में, एक किनारे को देखा एंगल ऑफ द डिप्रेशन 30 डिग्री में देखा, एक किनारे को एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री में देखा, ये 30 डिग्री तो ये भी इसका 30 डिग्री आएगा। वो लड़का पोल के ऊपर में है, एक किनारे को एंगल ऑफ डिप्रेशन में ऊपर को नीचे देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, 30 डिग्री एंगल पे देखा, और एक किनारे को वो 60 डिग्री एंगल में देखा, और एक किनारे को 60 डिग्री एंगल में देखा। अच्छा यहाँ पार्लर एक तो ड्रॉ होता है, ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री डिप्रेशन में, अगर ये 60 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से नीचे देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कर, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। बोला व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, बोला व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, वो लड़का 6 मीटर अबव द रिवर में है, 6 मीटर अबव द रिवर में है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, एक को देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एक को देखा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। ओके पहला बीडी निकालिए, बीडी ट्रायंगल एबीडी क्या डालेंगे, साइन कॉस टैन, ये बी बी दिया है सर, एच दिया है, बी निकालना है, बी दिया है, बी निकालना है, P by B क्या डालेंगे, अब tan theta क्या होता है, P by B होता है, P by sin theta होता है, P by H, और cos theta होता है क्या, sin theta P by H होता है, cos theta B by H होता है, ओके okay, क्या डालेंगे, P tan theta डालेंगे ना, cos theta डालेंगे ना, sin theta डालेंगे, क्योंकि P निकालना है, B दिया है, तो P by B, तो क्या कहेंगे, देखिए इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD ये tan 30, tan 30 P by B, 6 by BD, tan theta P by B, tan 30 का वैल्यू बोली टेबल देख के बोली 1/3 1/3 हां, जब BD इक्वल आपका क्या आएगा, 6√3 इक्वल टू 6√3 6√3 एक तो आया यहां से, आया आपका आया 6√3 मीटर,
डीसी फिर निकाल देंगे, डीसी क्या करेंगे क्या डालेंगे, पी दिया है बी निकालना है, पी दिया है बी निकालना है, टैन 60 ए दिया, ये इंट्रैंगल एडीसी, यस सर इंट्रैंगल एडीसी योर टैन 60, टैन 60 पी बाय बी 6 बाय क्या दैट इज डीसी, ओके टैन 60 रूट 3 होता है, देन डीसी इक्वल टू क्या होगा रूट 3 बाय 6 डीसी इक्वल टू ये डिवाइड इनटू होगा इनटू वाला डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड इसी इधर इनटू होगा और इनटू रूट 3 डिवाइड होगा, देन ये 6 बाय रूट 3 आया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था द विड्थ ऑफ द रिवर, हमें बीसी फाइंड करना था, प्लस कर देंगे 6 रूट 3 प्लस 6 बाय रूट 3, 6 कॉमन ले लीजिए रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3, ओके इसके एलसीएम ले लीजिए, ये रूट 3 ऐसे डायरेक्ट इंटू होता है रूट 3 इंटू रूट 3 3 प्लस 1, और एक बात है रूट को कभी नीचे मत रखिए, रैशनलाइजेशन कर लीजिए नहीं तो मार्क कट जाएगा, नीचे एक रूट 3 मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर एक रूट 3, रूट 3 को कभी नीचे मत रखिए, लास्ट आंसर में रूट 3 नीचे रहे तो उसे रैशनलाइजेशन कर दीजिए, 3 प्लस 1 4 हुआ बच्चों ये 6 है ये 4 रूट 3 बाय 3 काट दीजिए, विड्थ ऑफ द रिवर 8 रूट 3 मीटर, बच्चों मुझे जितना लगता है थोड़ा बहुत समझ में आ गया आप लोगों को, अगर एक बार ध्यान देखिए जब एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता है तो नीचे से ऊपर देखना है, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता है तो ऊपर से नीचे देखना है, लेकिन यहाँ एक पार्लर लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज एनसीआर की, ओके ये इसका सबसे बड़ा हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इसका ग्राफ बनाना, मैंने इसका डायग्राम बनाना, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, यहाँ पर एक पोल है, ओके ये पोल है और एक रोप है, ये रोप है, रोप का लेंथ दे दे कितना, ए सर्कल आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप व्हिच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ए वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप ग्राउंड इज लेवल 30 डिग्री, ये जो रोप जो है वो ग्राउंड को 30 डिग्री बनाता है, ग्राउंड को 30 डिग्री बनाता है, ओके फाइंड द क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ओके अच्छा देखिए आप खुद बनाइए इसमें से डायग्राम बनने होगा आप बना सकते हैं, पी फाइंड करना है एच दिया है, पी फाइंड करना है एच दिया है सर 10 मीटर क्या डालेंगे क्या साइन डालेंगे 10 मीटर साइन डालेंगे साइन थीटा पी बाय एच होता है यस साइन 30 ओके साइन भी डालेंगे पी दिया है एच फाइंड करना पी बाय एच रिलेशन होता है साइन थीटा करेगा ये ऐसे लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी योर साइन 30 साइन 30 पी बाय एच दैट इज एबी बाय कितना 20 ओके साइन 30 का वैल्यू बोले 1 बाय 2 दैट इज एबी बाय कितना और व्हाट इज एबी दैट इज 20 बाय 2 मीटर तो एबी बिकम हाउ मच 20 बाय 2 कितना 10 मीटर तो हमारा हाइट ऑफ द पोल जो था कितना हैंस लिखिए हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर हैंस लिखिए नहीं तो मार्क कटेगा हैंस लिख दीजिए हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर ओके ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दिए आप अभी? साबित तो करवा दिए, लेकिन आपको थोड़ा सा ये अलग है, ए ट्री ब्रेक्स आप काम करेंगे, आपका लिए होमवर्क है, 1 2 3 4 करेंगे बैठे, ओके 1 2 3 4 5 तक करेंगे कभी, ठीक है? ये कल पढ़ेंगे तो 7 बजे के पानी के सर का क्लास कीजिए, सर का लिंक मैं फिर से भेज दे रहा हूँ, तुम्हारे पास होगा नहीं तो मैं भेज दे रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, पानी का सर का क्लास।